एक प्रेम की भी सिद्धि होती है। बहुत गुरु ऐसे होते हैं, अकड़पन वाले गुरु होते हैं, उनके अंदर प्रेम की सिद्धि, प्रेमा सिद्धि नहीं मिलती है। प्रेमा सिद्धि का मतलब है आप प्रेम से हर क्षण परिपूर्ण होते हैं। गुस्सा नाम का चीज नहीं आएगा, ईगो नाम का चीज नहीं आएगा। खाना खिलाना, बार बार कोई गाली दे रहा है, बार बार प्रेम ही दे रहे हो आप, प्रेम का गंगा भर गए हो। उसके लिए हृदय बहुत साफ चाहिए, सुथरा चाहिए। मानव का योनि बहुत मेहनत से, बहुत कमाई का मेहनत होता है। जैसे होता है ना, बहुत पढ़ाई करने से कोई कोई आईएएस अफसर बन जाते हैं, आईएएस आईएफएस बन जाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, सब तो नहीं बन पाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वहाँ तक पहुँचने के लिए या मानव योनि को प्राप्त करने के लिए भी जर्नी जो चली है, बहुत कष्ट वाली जर्नी, तब यह मानव शरीर, मानव योनि प्राप्त हुई है। और ये भी इस जन्म में खो देंगे आप तो पता नहीं उधर्वगति या अधोगति या अगति में ही रह जाएंगे। ये तीन गति होती है हमेशा। हर जगह वही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला ही है। प्रोटॉन वाला आप पॉजिटिवली आप उधर्वगति करके ऊंची योनि प्राप्त हुई, इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिवली उधरी नीचे उतर गए और न्यूट्रॉन वाला आगति हुई। फॉर्मूला वही है, पूरे ब्रह्मांड एक इक्वेशन पे काम करता है। इक्वेशन होते हैं ना मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, तो जैसी इक्वेशन है उसके अनुसार सॉल्व करेंगे तो उत्तर सही ही मिलता है। सो द होल यूनिवर्स इज एन इक्वेशन, उस पर यह काम करती है। और आप जो होते हो आपके साथ वैसे ही होता है। ये नहीं कि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वही प्राप्त कर लेंगे। आप अंदर से बाहर से जो हो, प्रकृति आपके लिए वही प्रकट करेगी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दारू पियोगे, नशीला पदार्थ का सेवन करोगे आप, तो नशा तो होगा ही अंदर, ये एक नियम ही है। जहर पी लोगे तो मृत्यु होगी, ये प्रकृति का नियम है। तो प्राकृतिक पदार्थ है वो, विषैला पदार्थ है। तो यही नियम हर जगह ही लागू है और इसी नियम के आधारित पे आप लोग यहाँ पर पहुंचे भी हैं और इसी नियम के आधारित पे लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। आपने तो एक वीडियो भी हमारी नहीं देखी थी, देखे थे आप? अच्छा, अभी आ रही, क्या नाम है आपका? अच्छा, तेजस्वी। तो भोजन ग्रहण के बाद अकेले अकेले ज़्यादा रहना है, शांति से, ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, कोशिश करना है। बाकी हम फिर मिलेंगे भोजन के बाद। और आप चाहते हो कुछ लोग निकलना हॉल से तो बाहर घूम फिर सकते हो, कहीं बैठ सकते हो। और जिनको वन टू वन मीटिंग करना है तो मैं हॉल में ही अभी कर लेता हूँ बातें, ताकि कोई बचे ना, कुछ जो भी शेयर करना होगा पूरे पर्सनली शेयर कर ले। ना यहीं बैठे रहने का मन है तो बैठे रहिए। आपके नाम? राधा। राधा जी, ठीक है, कृष्ण मिलने वाले हैं, उनके एक बार साक्षात्कार हो ही गई है।
ये अभी भी प्रेम से भरी हुई आंखें भरी है, आप लोग नहीं देख रहे हो, अभी घूम जाएगी तो देखोगे। इनकी होठ, इनके गाल, ये पूरे शरीर कांप रहे हैं अंदर से, है ना। ठीक है, आपका क्या नाम है? कल्पना। आप सारे काल्पनिक चीजों को कल्पना और अपने कल्पना नाम को भी भस्म कर देना है, ठीक है। अब कल्पना गई, कल्पना का श्राद्ध हो गई, जला दी हो ना, खत्म कर दी हो अपने आप को, कल्पना नहीं है अब। कल्पना के नाम से कोई गाली दे देकर ढोल बजाए, नाचे गाए, गाली दे, कुछ भी करे, कोशिश करना कल्पना है ही नहीं। और आपको थोड़ा ज्ञान की कमी और ऊपर काम करना है, ऊपर यहाँ पे ये शरीर छूट जाएगा, आप अलग हो जाओगे, उसके लिए समाधि मधि की जरूरत नहीं, वो तो बंधन हो जाएगा फिर। तो ये आपके अंदर एक चीज़ें पहले घटित हो के आई हो ना, अभी आपको सहस्रार पे करना है, मैं फिर आपके पास पहुँचूंगा एक दो बार। पूरे ध्यान को सहस्रार पे रखना यहाँ पे, उससे फिर ऊपर, उससे फिर ऊपर, फिर महाशून्य। जैसे बॉडी हवा में फ्लोटिंग, बलून्स हवा में फ्लोटिंग होता है ना, बाद में ऐसे ही आपका बॉडी फ्लोटिंग ही होगा, मान लो एक बलून की बात ही होगा। वंस यू हैड द सेपरेशन फ्रॉम योर बॉडी, स्त्रियों में एक बहुत बड़ी वीकनेस है, वो है वो अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होती है, तो उनको निष्क्रियता का केंद्र बहुत मेहनत करना पड़ता है वहाँ तक आने के लिए, क्योंकि बचपन से माँ बाप ने उसको शरीर के प्रति बहुत सचेत होने के लिए सिखा के रखा है, तो उस शरीर के प्रति वो इतनी आसक्ति रहती है कि उसको छोड़ नहीं पाती है जल्दी, बहुत अनुभूति से गुजर जाती है, लेकिन वो आकर्ता महाशून्य के केंद्र, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द बॉडी, उनको वहाँ तक थोड़ा मेहनत लगता है करने में। और अंदर ही अब ऐसा नहीं है कि आपको शरीर को अपने नहला धुला कर ठीक ठाक से सजा धजा के नहीं रखना, वो करना है होश में रखना है, मतलब एक एक चीज़ को ढूंढना है अंदर। मैं कैसे जब वहाँ बताता हूँ, एक एक चीज़ को ढूंढने का मतलब कि जब आप उठलाली लगा रहे हो तब भी ये पता करो कि मैं क्यों लगा रहे हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। आप कोई क्लिप लगा रहे हो, बाल को आप संवार रहे हो, सुंदर कपड़े पहन रहे हो, कुछ कर रहे हो सजने दजने के लिए, तब भी ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहे हूँ। अगर उसमें किसी को या अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए कर रही हूँ, उससे मुझे लोग तारीफ करें, मैं ध्यान को आकर्षित करने के लिए कर रही हूँ, किसी के ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो जाए, तो आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो, और ये आसक्ति है। एक एक आसक्ति को छोड़ना पड़ता है, लगाओ लेकिन होश में लगाना है। मैं कहूंगा कि 100 बार जो मैंने ध्यान करवाया वो और एक बार कराऊंगा, ये शरीर को नाश कर देना है, जला देना है। स्मृति में आपकी शरीर भी नहीं रहनी चाहिए, कोई मेमोरीज नहीं रहना चाहिए। ये पूरे ब्रह्मांड को हम समष्टि मन कहते हैं, यूनिवर्सल माइंड, जिसमें हर प्रकार के ज्ञान संभव है और प्रत्येक आपके जन्मों का जर्नी भी उसी में पड़ा हुआ है। ब्रह्मांड की कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी डिलीट नहीं होता है, सब है वो। जैसे आपने अपने मोबाइल से सारा कुछ फॉर्मेट मार लिया, डिलीट कर दिया, लेकिन सर्वर में है, तो सब रहता है। तो ढूंढ ढूंढ के अपने अकाउंट्स में से वो सारे खत्म करना पड़ता है, अपने एक एक आसक्ति को। जब मैं कहता हूं अपने बेटा को या बेटी को, यहां से आसक्ति खत्म करो, जला दो,
तो बाहर में थोड़ी आपको कुछ होने वाला है, वो तो प्रकृति है, प्रकृति रूप में खेल रहे हैं, झूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको यहां से अपनी अटैचमेंट्स को खत्म करना है। कितने लोग ने सफलतापूर्वक अपनी माता को आराम से जला दी, जो पहले जिनकी माता मर गई होगी तो जला दी, उनके तो कोई बात नहीं है, आराम से सक्सेसफुल है। लेकिन आपकी माता जी है ना, अभी तो घर में जाएंगे तो आपको तो माता जी देखेंगे अपने अपने मस्ती में है। यहां हमें इस प्रकृति की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। जब नहीं होगी तो आप परम कैवल्य की अवस्था में पहुंच गए हैं, याद रखना है। जब तक इस प्रकृति की अनुभूति हो रही है अंदर, तो कर्ता भाव अभी बना हुआ है। मैंपन अभी भी है। ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे बहुत सारे लोग कल और आज तक कुंडलिनी जागरण कर चुके हैं, उनके लिए कह रहा हूं कि आगे ये बात को ध्यान में रखना है। कुंडलिनी शक्ति जागरण के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, कई महीनों तक वो अहंकार रहता है। क्या अब मैं थोड़ी डिफरेंट हो गई, अब मैं इन लोगों से थोड़ा डिफरेंट हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ, अब मैं कुछ अनुभूति की हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति जागृत हुई है। यह अहंकार भी आ जाता है, तो देखना इसे बच के रहना। जैसे आपको पता चलेगा कि मैं एकदम सिंपल साधारण, सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जेनरसिटी, कंपेशन, नो सेंस ऑफ डुअरनेस, इन चीजों को धारण, ये चीज कुछ नहीं है, जो है सो है। और बार बार ध्यान में या कहीं बैठे रहना तो मैं को ढूंढते रहना, तो मैं भी नहीं मिलेगा आपको। लोभ मत लाना। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल बाद में हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत जब होती है तो अपनी शक्तियों को यूज करके फिर पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। अगर आपका पैसा पहले से ऐसी है तो मैं कहूँगा ये काम करते वक्त आप अपने मन में विचार में पैसा मत लाइएगा कि ये क्लाइंट से मुझे इतना मिल जाएगा, ये लगेगा। क्योंकि जो लोग जागृत कर लेते हैं आगे कई प्रकार की चीज़ें होने लगती है, तो सामने वाला को आप कल्याण कीजिए और वो जो दे, या आपके पहले से यही पैसा है रोजी रोटी के तो आप आगे बढ़ाए, साथ साथ उसको जैसे आप अकर्ता की स्थिति में आए या उसको भी ये संकल्प उसमें डाल दे कि इसको भी कल्याण हो, आध्यात्मिक उपलब्धि हो। क्योंकि किसी की रोजी रोटी को तो हम नहीं कहेंगे कि बंद करो, लेकिन इसको आप अपने रोजी रोटी के लिए उस वक्त यूज मत करना जब करना होगा तो। कुछ लोग तो सोच रहे हैं गुरुजी मेरे पास आए ही नहीं अभी तक, हाँ कब आएंगे, हमें कब शक्ति बात करेंगे, हमने क्या गलती कर दी है। कुछ नहीं, अंदर अंदर सब आपके पास पहुंच ही रहे हैं। ये तो ब्रह्मांड में एक खेल चल रहा है अभी हाँ? कब किसका? आपने टच किया था? आपके पास विनय जी भी गए थे, मैं भी गया था, आपको पता चला? पता चला। थोड़ा और समर्पण में जाना है, ठीक है, और आपको भी सहस्रार इधर ही रहना है, सहस्रार पे यहाँ से ये लेके जाना है, ये जो घूम रही है ना, यानी कि कभी सहस्रार खुला नहीं है।
हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करो, कुछ ना कुछ साधक रामानंद के जैसे पहुँच ही जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ लेते हैं आपके अंदर। कुछ लोग बोलते हैं मेरी कुंडली जागृत हो गई, मुझे ऐसा होता है, पूछता हूँ चिड़चिड़ापन होती है, हाँ होता है, गुस्सा होता है, हाँ होता है, अहंकार होता है, हाँ है, ईगो से भरे पड़े हुए हैं, तो यही आध्यात्मिक उपलब्धि है। वो तो होगा ही, वाइब्रेट हो रहा है। मेरे पास आके जो जागरण करते पहले से जागृत होके आते हैं वो बहुत कंफ्यूज होके आते हैं, अपने आप साधना स्टार्ट किए कहाँ अटकी कहाँ गए, तो थोड़ी सी इधर उधर हो जाता है, फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपका काम है मैंने जो वहाँ पे समझाया उस पर काम करना। अगर मेरी बात को भी हमने बताया ये जड़ ये गुरु क्या है, मैंने बहुत जान रखा है, ये ऐसा वैसा है, कुछ नहीं होता है, इतना कह दिया ना इसी में कट गए आप। बंधन में रखने की बात नहीं है, आपकी गुड़िया के लिए, आपके लिए, नहीं तो आपको देख लेना है इस प्रकृति में आगे चलकर कदम कदम पर। जिस रास्ते में चल रहे हो, जिस रास्ते में कांटा है, कांटे पे कांटा मिल रहा है, चुभ रहा है, तो रास्ता बदलना पड़ेगा। रास्ता नहीं मिल बदलोगे आप, कांटे चुभते चुभते नष्ट हो जाओगे। मैंने कई लोगों को, कई साधकों को देखा हूँ, जो साधक कभी जागृत हो जाते हैं, गुरु गुरु को भूल जाते हैं, मीट मछली दारू का भी सेवन करने लगते हैं, उसके बाद उनके अंदर में इतनी उनकी जिंदगी नकारात्मक से भर जाता है, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक शक्ति है, ये एक एनर्जी है, इसको जिस तरह से आप डायरेक्ट कर देंगे उधर ही आपको देखे लेगी, क्योंकि आपका समर्पण नहीं है न गुरु के प्रति न परमेश्वर के प्रति, अपने मनमानी करने लगी तो चल और भोग लो तू। अब भोगवा का अंत में लाएगी, वो जगह पे लाएगी अंत में, क्योंकि वो भी एक उदाहरण बनता है प्रकृति में। कभी कभी घर पे समय मिले कहीं भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं तो समय ही नहीं है, पता नहीं इतना क्या व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं मिलता, थोड़ा सा 15-20 मिनट आधा घंटा समय नहीं निकाल पाएंगे, पता नहीं कौन से बिल्डिंग कौन से महल बनाने वाले हैं और मरने से लेके जाने वाले हैं, और कहाँ भी लेके जाने वाले वही जाने कि इतना समय नहीं है, थोड़ा समय निकालना चाहिए। और मैं कहता हूँ ध्यान के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान तो आप सोए हो बिस्तर पे तभी भी ध्यान कर सकते हो, कहीं ऐसी समय निकल गया बैठने के लिए वहाँ पे भी ध्यान कर सकते हो। आप ध्यान कर रहे हो लेकिन आपके लड़के बच्चे पति पत्नी को भी पता नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हो, क्योंकि आपसे सारी चीज़ें आपका छीन लिया जा सकता है लेकिन आपका ध्यान छीना नहीं जा सकता है, आपका भक्ति और समर्पण छीना नहीं जा सकता है। हम सब छीन लेंगे, आपका पैसे छीन लेंगे, आपकी इज्जत शोहरत सब कुछ घर दौलत सब खत्म हो गया, लेकिन आपका ध्यान को नहीं छीन सकता है। आप ऐसे चेयर लेकर कभी कभी अपने आंगन में बैठना, कहीं पेड़ के नीचे बैठना, ध्यान को सहस्रार पर रखना, बार बार रखना, बार बार रखना, एक क्षण ऐसा आएगा कि ध्यान ऊपर चला जाएगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि आप इतना सौर व्यापक हो जाओगे कि ये शरीर की अनुभूति होने ही बंद हो जाएगा, आप एक विश्व आत्मा परम अवस्था जो कि निराकार स्वर व्यापक चारों दिशाओं में कण कण में जो निरंजना स्वरूप तुरिया स्वरूप निर्विशेष स्वरूप अविलक्षण स्वरूप निर्गुण स्वरूप महाशून्य के बाद चैतन्य स्वरूप जो कण कण में व्यापक है, उसमें आप विलीन हो जाओगे, आप पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए सहस्रार पे बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग डरते हैं बहुत, वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जन्मों जन्मांतर तक इस प्रकृति के भोग करके आए हैं, जकड़न है एक अंदर में। गुरु को पास रहते हैं तो स्विच ऑफ होने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, कुछ लोग जाकर फिर उसी में, तो उसमें रहो लेकिन कमल का फूल की तरह खिले रहो, जैसे कमल का फूल का जो थ्रेड है वो कीचड़ में है फिर भी खिल रहा है। ज्ञान तो प्रकृति में स्थूल रूप से आपको कदम कदम पर दिख रहा है। एक गुरु तो कुछ भी, एक मोबाइल उठाएगा यहीं से परमात्मा का ज्ञान देगा, एक फूल उठाएगा परमात्मा का ज्ञान देगा, एक बीज उठाएगा परमात्मा का ज्ञान देगा, एक फेन देखेगा परमात्मा, उसके लिए प्रकृति के कण कण हर एक चीज़ें शास्त्र होती है, वहीं से उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है। एक शब्द निकला एक उपनिषद बन गया,
कोई भी चीज़ें मिला शास्त्र बन गया, वहीं से आपको ज्ञान देगा। हर जगह उसको ज्ञान दिख रहा है, हर नदियों में, झरना में, तालाब में, पहाड़ों से नदियाँ आके कैसे गिरी है, सब नजर घुमाओ, ज्ञान ही ज्ञान है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले हमारे आसाम की बात कह रहा हूँ। आसाम और अरुणाचल से ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई बहता हुआ आ रहा है, और ब्रह्मपुत्र अपने आप में भी एक अपना सागर है, सीधे आकर वहाँ बंगाल की खाड़ी तक आता है, ठीक है। वो अपने आप में, उसको ब्रह्म का पुत्र भी कहा गया। ब्रह्म का पुत्र मतलब जो ब्रह्म, वो ब्रह्म नहीं जो ब्रह्मा विष्णु वाले ब्रह्म। और सारे साधकों को कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जितने जन्मों जन्मों तक पूजा पाठ करके आए हो आप लोग, जो भी देवी देवता उसको भी जलाना है, आज मैं जलाऊंगा सब। सारे देवी देवता को छोड़ना है, जलाना है, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई शिवा हो, विष्णु हो, जो भी आपके चित्त में पड़े हैं, उनकी विस्मृति के बिना आपको आत्मज्ञान कभी नहीं होने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवता की विस्मृति, विस्मृति मतलब चित्त से वो हट गए, खत्म हो गए। देवी देवता के प्रति आसक्ति भाव खत्म हो गया, मूर्ति उठाकर भी फेंक दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पूजा पाठ कर रहे आज नहीं किया भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गलती से पता नहीं सही जगह में कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग तो अंदर घबरा रहे हैं। जलाना पड़ेगा, इनकी विस्मृति चाहिए मुझे, डिजोल्यूशन चाहिए अंदर से। घर में माहौल है कुछ रखे हो ऐसे ही अगरबत्ती जला देना, ऐसे कुछ रखना ऐसे जला देना, और दूसरे दिन जाना अगरबत्ती मत जलाना, वापस आ जाना और अपने अंदर देखना हो क्या राज में मैंने जलाया नहीं। जो जप करते हैं मंत्र करते हैं उनको कह दीजिए कल से मंत्र बंद कर दीजिए एक से दो दिन, आफत आ जाती है उनके अंदर, वो मंत्र चलने ही लगता है अपने आप। लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा, बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास पहुँच गए हो तो वो मंत्र अब धीरे धीरे छोड़ देना पड़ेगा, सारे जप को छोड़ना पड़ेगा। हाँ मतलब पूजा पाठ उनके लिए है, ध्यान मंत्र उनके लिए है, जो अभी बच्चे हैं साधक है और कर रहे हैं कई वर्षों तक करते 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 उब गए, अब लग रहा है परमात्मा कहाँ है, वो सत्य कौन है। ध्यान में आपके देवी देवता भी आके आ रहे हैं, ऊर्जा में दिख रहे हैं, हालांकि वो आपका ही मेंटल ऊर्जा होती है, बहुत साइंटिफिक है। ये सब चीज़ें पढ़ के आया हूँ मैं, ये सब NLP साइकोलॉजी की किताबें पढ़ के आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा से पता है। बहुत सारे लोगों के हिस्टीरिया का बीमारी होती है, सिजोफ्रेनिक की बीमारी होती है, और उसको सत्य मान लेते हैं, भूत प्रेत खेलने लगते हैं, करवाते हैं, ये सब मेंटल, उसको दो तरह से दो झप्पड़ लगाओगे तो सारा भूत भी भागने लगता है। मैं कई ऐसे देखा हूँ, एक मेंटालिटी बन जाती है। तो अंत में इन सबसे कट करना पड़ता है, पूजा पाठ बंद होने लग गया, मतलब किसको पूजा पाठ करूँगा। आपके आगे जो भी है वो सुनने ही हो गए, जो आपके वार किए आपने खत्म ही हो गए, जो भी आया उसमें आपने विलीन ही हो गए। जैसे सागर में सारे नदियां आती है उसमें विलीन ही हो गई, आप सागर बन गए हो, नदी नाला तो हुआ नहीं कि थोड़े से बारिश आई तो फ्लड हो गई चारों ओर, अब सागर में आ जाओ, सब सागर सबको समा रहा है अपने अंदर। उसी तरह से महाशून्य रूपी सागर हो, बाद में किसी की गाली भी आपको प्यारा लगेगा, वही वही व्यक्ति का जिसका गाली से आप चिड़चिड़ापन होती थी वो प्यारा लगेगा, उसकी गाली भी प्यारा, आपकी दृष्टि बदली तो वो भी प्यारा लगेगा, आप बदले तो उसको वो भी प्यारा लगेगा। और आप जो कहते हैं ना मैं जाता हूँ संतों के पास में तो मेरे साथ ऐसे क्यों होती है, वो पहले से आप बना के रखे हो, आप बना के रखे हो, आप क्या दुश्मन हो प्रकृति का,
प्रकृति आपके साथ ऐसे क्यों करेगी? ये सारे शरीर देख रहे हो और कुछ नहीं, ये सब प्रकृति है। इनको मैं मानव हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं मानव हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं मानव हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, माता हूँ, ये हूँ, ये सब अटैचमेंट्स हैं। सब प्रकृति है और प्रकृति के नियम पे सारी चीज़ें यहाँ पे बैठी हैं। जैसे पेड़ पौधे, चिड़िया पक्षी जितने हैं सब अपने प्रकृति के नियम पे काम कर रहे हैं। प्रकृति आपकी दुश्मन नहीं है कि आपके लिए प्रकृति ऐसा करेगी। प्रकृति बस वो जानती है मेरे साथ जो जैसा करता है उसके साथ मुझे, मैं बाध्य हूँ उसके साथ वैसे ही करने के लिए। ये बात बुद्ध को बहुत अच्छा से पता चल चुका था। बुद्ध पे आकर मुंह पे थूक देते थे, बुद्ध के सन्यासी उनके शिष्य को गुस्सा आ जाता था, लेकिन वो चुपचाप हिमालय के पर्वत की तरह ठहराव है। ये ठहराव आया ही नहीं तो अध्यात्म में आप चाहे आसमान में उड़ लो ना, आप ये कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं मिला। तो कभी कभी जाके ऐसे ही बैठना, सहस्रार पे रहना, सहस्रार पे रहते रहते 2 इंच ऊपर आ जाओगे, उसके आते आते डिजल्व हो जाओगे। एक बार पूरे बाहर आ गए तो आ गए, फिर दोबारा जिंदगी में वो वापस आना अंदर मुश्किल हो जाता है। आप अपने स्वरूप में आए, आप प्रकृति अलग, आप अलग। अब प्रकृति आपके पंच इंद्रियों के लिए ही प्रकृति है। अनुभूति में फिर प्रकृति गई तो वहां पे कहना पड़ता है कि प्रकृति भी नहीं। ये आपके लिए विशेषकर मैं बता रहा हूं क्योंकि आप सिर्फ ऐसे एक दो दिन के लिए आए, आप आज जाने वाले हैं ना, यही लेकर जाओ और यहीं पे बने रहो। खान पीन में पूरा सुधार ला दो। आपको व्हाट्सएप में एक मैं एक चार्ट भेज दूंगा कंसंट्रेशन का अपने गुड़िया के लिए, उस पर काम करवाओ, अपने आप को सुधार लो, पॉजिटिव ऊर्जाओं के क्षेत्र में आ जाओ और यहाँ पे आगे बढ़ना। ठीक है। तेजस्वनी जी, नाम तो बहुत सुंदर है आपका, तेजस्वनी। हाँ ठीक है जी। जब आपको कोई कहे आप बहुत सुंदर लग रही हो, आपका नाम बहुत सुंदर है, तुरंत इमीडिएटली अपने अंदर जाना है, अपने अंदर। कोई तारीफ कर दे, बेटा बेटी का भी, घर का भी, बहुत सुंदर घर बनाया है, इमीडिएटली अंदर जाना है, अंदर घटित क्या हो रहा है देखना है। घटित कुछ हो गई तो अहंकार बचा हुआ है, दुख का बीज बचा हुआ है अंदर। जितना भी तारीफ करे उसकी तारीफ आकर शून्य, मतलब विलीन हो जा रहा है। आप तक तो एनर्जी पहुंच रही है, गाली गलौज झगड़े झंझट सब, लेकिन आपसे वो रिएक्ट नहीं हो पा रही है, आप में आकर वो विलीन हो जा रही है। विलीन मतलब डिजॉल्व हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। और इसको मैं साइंटिफिक भाषा में कहूँ तो ब्रह्मांड में आपको पता है प्रत्येक ग्रह नक्षत्र के अपने ब्लैक होल होते हैं। अब प्रत्येक ग्रह नक्षत्र का ब्लैक होल के पीछे, प्रत्येक ग्रह नक्षत्र के पीछे भी एक इतना बड़ा ब्लैक होल है, शायद इसके बारे में साइंस ने बताया कि नहीं, वो मुझे पता नहीं, उसने प्रत्येक ग्रह नक्षत्र के बारे में कि उसमें सारे सब समाते समाते उसमें सब समा जाएगा। मतलब ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, तो इनलाइटनमेंट ऐसे ही होती है।
ब्लैक होल की तरफ, सब एब्जॉर्ब हो जाता है, सब समा जाता है, आप में सब खत्म हो जाता है, जाकर डिजॉल्व हो जाता है। जैसे ब्लैक होल में सूर्य गया, खत्म हो गया, पृथ्वी गई, खत्म हो गया, और सबकी अपनी ब्लैक होल है। इसी प्रकार से आप स्वयं भी, आपका शरीर भी एक ब्रह्मांड है, अ पीस ऑफ यूनिवर्स है। जो बड़े यूनिवर्स में जो नियम लागू है वही आपके अंदर भी है, वही कहानियां चल रही है अलग अलग। तो ये एक दिन शरीर भी डिजॉल्व होकर खत्म हो जाएगा, और इस शरीर के अंदर फिर एक सूक्ष्म शरीर है जो सटल बॉडी कहते हैं। तो वो अंत में जब उसकी ब्लैक होल में समाने की बात कही जाए तो इनलाइटनमेंट के प्रोसेस में वो सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है। वो जब खत्म हो गया, जीते जी मुक्ति मिल गई, जीते जी मुक्त हो गया, ब्लैक होल में समाने के जैसा अब हो गया, वो खत्म हो गया, उसका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खत्म हो गया, और जो संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण जो समग्रता है, समग्र जो चेतना है वही है आप, खत्म। वो है तो आप हो, आप हो तो वो नहीं वो है तो आप नहीं हो, अगर आप हो तो वो नहीं। बस इसी पॉइंट में पहुंच जाना है, देखते रहना है मैं हूं क्या, अभी पता चल रहा है मैं ही हूं तो वो नहीं है, अभी वो आ जाएगा तो आप नहीं हो।